ये बड़ी खबर इस वक्त की कि जिला जज अब इस मामले में सुनवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट इस वक्त की है कि अब जिला जज इस पूरे मामले में सुनवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट पहले ही जब बेंच बैठी थी उसी समय सुप्रीम कोर्ट ने अपना सुझाव दिया था, 3 सुझाव में दिया था। उन्होंने इस बात को भी कहा कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को इस पूरे मैटर को सुनना चाहिए, क्योंकि मुस्लिम पक्ष बार बार इस बात का जिक्र सुप्रीम कोर्ट में कर रहा था कि उनकी जो याचिका है, उनकी जो आवेदन है, उसको कोर्ट के अंदर नहीं सुना जा रहा है। पहले हिंदू पक्ष के तमाम एप्लीकेशन, तमाम याचिकाओं को सुना गया। इसी बात को लेकर पहले जैसे ही बेंच बैठी वैसे ही जजों ने ये क्लियर दिया था कि इस पूरे मैटर को डिस्ट्रिक्ट जज को सुनना चाहिए, ये पहले सुझाव दिया था। और उसके बाद ये भी कहा था कि सिविल जज के तरफ से जो आदेश दिए गए उनके मनसा पर वो सवाल खड़े नहीं करते हैं। लेकिन चूंकि ये मैटर काफी संवेदनशील है, जो काफी गंभीर मैटर है, इसलिए डिस्ट्रिक्ट जज को इस पूरे मैटर को सुनना चाहिए। अब ये आदेश दिए गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि अब सिविल जज इस पूरे मैटर को नहीं सुनेंगे, डिस्ट्रिक्ट जज इस पूरे मैटर को सुनेंगे। तो ये अब तक की सबसे बड़ी अपडेट है। और सारे जो मैटर हैं डिस्ट्रिक्ट जज के पास ट्रांसफर किए जाएंगे और डिस्ट्रिक्ट जज इस पूरे मामले की सुनवाई करेंगे। ये अब तक की सबसे बड़ी अपडेट है। पूरी खबर के बाद से जो पेंडिंग मामले थे मुस्लिम पक्ष के, वो भी सुनवाई यहीं पर होगी, वही भी उन पर भी सुनवाई डिस्ट्रिक्ट जज करेंगे। देखिए बिल्कुल, ये जो पेंडिंग मामले थे और जो मैटर चल रहे थे अभी, जैसे अभी तक इस पूरे मामले में सर्वे रिपोर्ट किया गया, वो सारा मैटर अब ट्रांसफर कर दिया जाएगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ही इस पूरे मैटर की सुनवाई करेगा। तो अब तक ये सबसे बड़ी खबर यही है कि अंतरिम आदेश के तरफ से ये कहा गया था कि सिविल कोर्ट में तमाम जो मैटर अब तक सुनवाई हो रहे थे वो सब अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास ट्रांसफर किया जाएगा और डिस्ट्रिक्ट जज ही पूरे मैटर की सुनवाई करेंगे। तो इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर है कि डिस्ट्रिक्ट जज ही अब इस पूरे मामले की सुनवाई करेंगे। शुरुआत जब इस सुनवाई की हुई तो कई तरह की बातें सामने आई कि कैसे सिविल जज भी इस मामले की सुनवाई कर सकते हैं, सिविल कोर्ट में क्या पेंडिंग मामले होंगे, लेकिन ये सब क्लियर हो चुका है। अब ये इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट है राम, कि अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज इस पूरे मामले की सुनवाई करने वाले हैं, यानी जितने भी पेंडिंग मामले हैं सारे मामले अब वही जाएंगे। बिल्कुल, जो बात पयोधी आप कह रहे हैं, ये शुरुआत में कोर्ट ने अपनी मंशा जता दी थी। और जो ये बड़ी खबर इस वक्त की ये है, वो डिस्ट्रिक्ट जज इस मामले की सुनवाई करेंगे। जो तीसरा सुझाव था सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस चंद्रचूड़ का, उसमें यही था कि जिला जज को इस मामले को सुनना चाहिए। और जब 1 घंटे की ये सुनवाई पूरी हुई तो वही सुझाव एक तरह से आदेश के रूप में परिवर्तित हो गया है। और खबर ये है कि अब ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि मुस्लिम पक्ष के जो आवेदन है वो जल्द से जल्द सुनवाई के लिए आगे रखे जाएं, यानी मुस्लिम पक्ष के आवेदन पहले सुने जाएं। वजू के लिए जिला जज जो है वो इंतजाम करें, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। जिला जज ही ये तय करें कि वजू के लिए कैसे इंतजाम होना है। राजू राज, राम एक बार फिर से चलते हैं राजू के पास, कोई बड़ी अपडेट उनके पास हो सकती है। राजू, इस वक्त और क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, अब तक की ये सबसे बड़ी जानकारी है। जहां वजू खाने की जगह जो है, जहां पर सुरक्षा है, वो का निर्धारण भी अब डिस्ट्रिक्ट जज करेंगे, यानी डिस्ट्रिक्ट जज ही उसकी व्यवस्था करेंगे। और दोनों पक्षकारों से बातचीत की जा रही है। और पहले जो तमाम जो मैटर है, जहां पर मैटर थे, तमाम जो मैटर था उसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ट्रांसफर किया जाएगा। सिबलिंग की सुरक्षा और नमाज में बाधा वाला मैटर नहीं है इसमें। देखिए, क्लियर कर देना, जो सिबलिंग की सुरक्षा, जो पहले कहा गया था सिबलिंग की सुरक्षा, नमाज में किसी तरह का बाधा नहीं हो, जो अंतरिम आदेश पहले दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के तरफ से कि जहां पर सिबलिंग की जगह मिली है उसे उसकी सुरक्षा जो डिस्ट्रिक्ट जज को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इस बात की सुनवाई करने के लिए कहा गया था, डीएम को इस बात को सुनने के लिए कहा गया था कि जहां पर वजू खाना है, जहां पर सिबलिंग मिलने की बात है, उसकी सुरक्षा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट देखेंगे। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जहां पर नमाज में किसी तरह की किसी को कोई बाधा ना हो, इस बात का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले सुनवाई के दौरान ही कह दिया था और उसी वो अभी लागू रहेगा। राजू, इसी पर तो मुस्लिम पक्ष ने कहा था ना कि वजू को लेकर सुरक्षा की क्या जरूरत है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही। और अब फिर से ये बड़ा स्टेटमेंट एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। देखिए, निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही एक साफ तौर कह दिया था कि इस पूरे मामले में हम बहुत ही संतुलित अप्रोच लेके चल रहे हैं और इसी अप्रोच के साथ हम केस को आगे बढ़ना चाहते हैं ताकि दोनों पक्षों में शांति बहाल हो।
तमाम बातों को, तमाम चीजों को मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट के सामने रखा। इन चीजों को सुनते हुए पहले तो सबसे पहले कि इस पूरे मामले की सुनवाई अब डिस्ट्रिक्ट जज करेंगे। डिस्ट्रिक्ट जज के तरफ से जो तमाम जो पेंडिंग केसेस थे वो डिस्ट्रिक्ट जज के पास ट्रांसफर किया जाएगा। जहां तक वजू खाने की सुरक्षा की बात है, इसकी जहां पर सिबलिंग मिलने का दावा किया था उस जगह को सुरक्षित रखने का आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया था और वहां के जो डीएम है उनको इस बात का निर्देशित किया था कि वहां की सुरक्षा को आप देखेंगे। इसके अलावा ये भी इस बात का जिक्र अपने पहले आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया था कि जो भी नमाज पढ़ने के लिए आते, क्योंकि पहले 20 लोगों को नमाज पढ़ने की इजाजत दी गई थी।